हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम टू माय कंप्यूटर लेक्चर्स। आज का टॉपिक जो है वो आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, दैट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एंड इसी के साथ हम लोग कुछ और तरह के सॉफ्टवेयर्स एंड टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट इज़ फर्मवेयर एंड ह्यूमन वेयर क्या है, ठीक है? बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स जिस पे हम लेटेस्ट पैटर्न देखें एग्जाम का, तो उनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो वी विल कवर दिस टॉपिक एज वेल, इट इज़ रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर टॉपिक ऑल्सो, ठीक है? सो ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट्स रीड किए, इवन मैसेजेस भी आए काफ़ी स्टूडेंट्स के कि ये लेक्चर सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि काफ़ी डेज का गैप आ रहा है ड्यू टू सम अदर वर्क, ऑल्सो ड्यू टू सम अदर क्लासेस गैप आ जाता है। बट आई विल ट्राई, फ्रॉम टुडे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये कंटिन्यू रखूँ एंड जल्दी से जल्दी ये सीरीज़ जो है आपकी ख़त्म करूँ, ठीक है? सो हम लोग ट्राई करेंगे, अभी से बेस्ट ट्राई करेंगे कि ये सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू रखें, रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस हो और जल्दी से जल्दी हम ये सिलेबस कवर करें, सो दैट आपका प्रॉपर रिवीजन भी हो जाए। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा उसके लास्ट में मैंने आपको क्लोज सिस्टम बताया, क्लोज सॉफ्टवेयर बताया, फ्रीवेयर्स बताए, शेयरवेयर्स बताए, और उसी के साथ मैंने आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट भी बताया था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो क्या होता है, अभी तक आपको याद होगा अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जिनका सोर्स कोड ओपन होता है। जनरली जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में, आप लोग कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो आपको सिर्फ उसका इंटरफेस देखने को मिलता है ना, यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर आप उसके उसमें यूज़ कर सकते हो, रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, जो भी उसका फंक्शनिंग है वो कर सकते हो, जो भी आपके पर्पस के लिए वो ऐप है या जो भी आपके पर्पस के लिए वो सॉफ्टवेयर है। बट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर द स्पेशल सॉफ्टवेयर जो कि सिर्फ आपको ऐप या फिर सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, उसका सोर्स कोड। सोर्स कोड यानी कि प्रोग्राम। ये तो हम जानते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो एक कोड के बेसिस पे बनते हैं, है ना? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हमने बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जो वो कोड्स होते हैं जिनमें जिन लैंग्वेजेस में कंप्यूटर कोड लिखा जाता है, सॉफ्टवेयर्स का कोड लिखा जाता है ना, इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। तो वो इंस्ट्रक्शंस जब आपको मिलती हैं एक सॉफ्टवेयर के साथ, तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मतलब जिसका सोर्स कोड ओपन है, मतलब जिसका प्रोग्राम आपके लिए ओपन है कि वो सॉफ्टवेयर का पीछे क्या प्रोग्राम है, कैसे बनाया गया है। क्लियर? कई बार एग्जाम में हमें OSS का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है? अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है एक बार मैं बता देती हूँ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इट्स सोर्स कोड। जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आपके सोर्स कोड के साथ, जब आप इस तरह के सॉफ्टवेयर्स फ्रॉम इंटरनेट इंस्टॉल करते हो, तो इसके साथ आपको सोर्स कोड भी मिलता है। और ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है, सो दैट आप उसको यूज़ कर सकें, किसे यूज़ कर सकें, उसके सोर्स कोड को यूज़ कर सकें, मॉडिफाई कर सकें एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकें, ठीक है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स बनाने का मेजर मोटिव क्या है कि जब सॉफ्टवेयर्स बनते हैं तो हर कोई अपने हिसाब से उसके सोर्स कोड को चेंज कर सके एज पर द नीड्स, ठीक है? ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, अब ऑब्वियसली एक लेमैन होगा, एक नॉर्मल पर्सन होगा जिसको कोडिंग नहीं आती, प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो सोर्स कोड का क्या करेगा, उसको तो पता ही नहीं है कि ये क्या कोडिंग है। ये ऑब्वियसली उनके लिए है जो प्रोग्रामर्स हैं, जो डेवलपिंग में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनके लिए है ये, ताकि वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। बिकॉज व्हेन दे इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, व्हेन दे यूज़ द सॉफ्टवेयर, उसके साथ उनको उनका उसका कोड भी मिलता है जिसमें वो और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जिसे वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका सोर्स कोड हमें अवेलेबल होता है, ठीक है? ये जो भी इन सॉफ्टवेयर्स का क्रिएटर होता है, जो भी इसका हम कह सकते हैं कि ओनर होता है, जिसने इस तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाए होते हैं, वो उसे लाइसेंस के साथ इंटरनेट पर देता है। अब एक चीज़, कई बार ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या फ्री होते हैं या फिर
इनका कुछ कॉस्ट होता है, कुछ प्राइस होता है जो पे करना पड़ता है, तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन इट्स ओनर. जिसने ये सॉफ्टवेयर्स क्रिएट किए हैं ये टोटली उन पे डिपेंड करता है कि वो इसे फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या वो कुछ कॉस्ट चार्ज करना चाहते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. ठीक है, इसके सोर्स कोड के लिए वो कुछ कॉस्ट चार्ज करना चाहते हैं या फिर वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. तो ये फ्री हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है, जिसने इस तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं जो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, अब होता क्या है, इनमें एक लाइसेंस होता है जो प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है कि वो मॉडिफाई कर सके अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड कंट्रोल हाउ द सॉफ्टवेयर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड. अब जब भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो देर इज़ अ लाइसेंस. ठीक है, जिस भी क्रिएटर ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है वो इसे लाइसेंस के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है. अब ये लाइसेंस एक्चुअल में क्या होता है, ये लाइसेंस होता है गाइडलाइंस. और इसमें क्या गाइडलाइंस होती हैं कि जब भी ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, शेयर हो रहा है और लोग इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, तो देर आर सम गाइडलाइंस कि किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप किस तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसमें ऑल्टरेशंस मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं उसके प्रोग्रामिंग कोड में. तो यही है वो लाइसेंस जिसमें गाइडलाइंस होती हैं कि क्या क्या चेंजेस, मतलब आपको क्या क्या राइट्स हैं इस सोर्स कोड के साथ. समझ गए आप लोग बात. तो ये फ्री भी हो सकता है, फ्री नहीं भी हो सकता है. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को. आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग. अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आए ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स. सो ये जो आइडिया है ये ओरिजिनेट कब हुआ था स्टूडेंट्स, 1983 में. ठीक है, एक हम कह सकते हैं एक प्रोग्रामर, जो MIT में एक प्रोग्रामर थे जिनका नाम है रिचर्ड स्टॉलमैन, ये याद रखना है. ठीक है, ही वॉज द वन जिसने ये इनिशिएटिव ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का जो ओरिजिनेशन है ये कहाँ से आया, एक प्रोग्रामर रिचर्ड स्टॉलमैन, जिनका बिलीव क्या था कि हर प्रोग्रामर, मतलब जो प्रोग्राम्स बनाता है या जो सॉफ्टवेयर्स बनाता है पर्सन, उसके पास ऐसा एक्सेस होना चाहिए, ऐसा राइट उसके पास होना चाहिए कि वो हर तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपनी स्किल्स को, जो उसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, डेवलपिंग स्किल्स हैं, उसको इम्प्रूव कर पाए ताकि टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट हो. ठीक है, तो स्टॉलमैन ने क्या किया, उन्होंने एक फ्री कोड रिलीज़ किया अंडर हिज ओन लाइसेंस. ठीक है, जिसका लाइसेंस का नाम क्या है, GNU पब्लिक लाइसेंस. इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन आता है. ठीक है, रिचर्ड स्टॉलमैन ने एक अपने लाइसेंस के अंडर फ्री कोड डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया जिसका नाम क्या था, GNU पब्लिक लाइसेंस. ठीक है, अब ये अप्रोच क्या थी उनका, मतलब आइडियोलॉजी क्या थी इसके बेसिस, इनके बेसिस, उसके पीछे उनका आइडिया क्या था कि वो चाहते थे कि दुनिया भर में जितने भी सॉफ्टवेयर क्रिएटर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, उनको क्या हो, उनको एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सके विद इट सोर्स कोड. और अगर वो सॉफ्टवेयर में कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, आप प्रोग्रामर हो, आपको उस सॉफ्टवेयर में कोई और चेंज लानी है. ठीक है, आपको उस सॉफ्टवेयर में कोई और चेंज लानी है तो यू हैव द सोर्स कोड, आप उसमें चेंजेस करके, ऑल्ट्रेशंस करके वो चेंजेस ला सकते हो. उससे क्या होगा, ऑब्वियसली उस सॉफ्टवेयर में ही डेवलपमेंट होगी, है ना, उस सॉफ्टवेयर में ही अपडेशन होगी जब आप उसमें चेंजेस करेंगे, उसे और अच्छा बनाएंगे. तो ये पर्पस किसके लिए था, रिचर्ड स्टॉलमैन का ये जो इनिशिएटिव था ये किस लिए था, ताकि जो भी डेवलपर्स हैं उनकी स्किल्स इम्प्रूव हो, उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाए और टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट हो. ठीक है, सो उनको एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना उनका एक मोटिव था. ठीक है, और ये जो क्रिएशन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की, ये कहाँ से शुरू हुई, एक इनिशिएटिव के थ्रू. 1988 में एक इनिशिएटिव हुआ जिसका नाम था ओपन सोर्स इनिशिएटिव. ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं इनकी शुरुआत किस पर बेस्ड है, तो वो किस पर बेस्ड है, OSI पर. ये OSI क्या है, ओपन सोर्स इनिशिएटिव. ठीक है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टर्म है. अब ओपन सोर्स इनिशिएटिव क्या है, ये बनाया गया टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स एंड कम्युनिटीज़.
अब रिचर्ड स्टॉलमैन ने क्या कहा, उनका आइडिया क्या था कि हर डेवलपर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। तो एक ओपन सोर्स इनिशिएटिव जो है वो लिया गया, जहाँ पर क्या किया गया, ऐसी कम्युनिटीज़ बनाई गई, ठीक है, ऐसी सोसाइटीज़ बनाई गई, ऐसी कम्युनिटीज़ बनाई गई जहाँ पर दुनिया भर के डेवलपर जो हैं वो आपस में हम कह सकते हैं कि कनेक्टेड थे, ठीक है। जैसे कुछ 5-7, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 5-7 स्टूडेंट्स का या फिर फ्रेंड्स का ग्रुप है, एक ने कोई एक मशीन बनाई, ठीक है, दूसरे पर्सन को उसने दिखाया, उसने उसमें डेवलपमेंट की, उसे और अच्छा बनाया, फिर थर्ड पर्सन ने उसमें कुछ और फीचर्स ऐड किए, फोर्थ ने कुछ और फीचर्स ऐड किए। तो ऐसी एक कम्युनिटी बनाना जहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स जो है उन्हें कैसे यूज़ किया जाएगा, ठीक है, कैसे टेक्नोलॉजी को सपोर्ट मिलेगा, कैसे जो भी किस गाइडलाइंस के अंडर, ये जो गाइडलाइंस होगी किस गाइडलाइंस के अंडर उनमें मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे डेवलपर्स कम्युनिटीज़ में इंटरकनेक्टेड होते हैं जो ओपन सोर्स इनिशिएटिव के अंदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट क्या था, इन शॉर्ट कहने का मतलब था कि ये जो ओपन सोर्स का क्राइटेरिया, ओपन सोर्स का आइडिया हमें रिचर्ड स्टॉलमैन ने दिया, ये एक एथिकल वे में हो, ऐसा ना हो कि कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करे और उसको एक गलत वे में यूज़ करे। तो इसीलिए एक इनिशिएटिव लिया गया जिसमें कम्युनिटीज़ मेंटेन की गई ताकि एक एथिकल वे में सारे जो डेवलपर्स हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सके और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर सके। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय ओपन सोर्स इनिशिएटिव, ठीक है। आगे कुछ एग्जांपल्स पर आ जाते हैं, क्योंकि जब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स पे हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मेनली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पूछा होगा इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स वेब सर्वर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी के लिए मैंने आपको कैटेगराइज कर लिया है आपके लिए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हेयर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओपन सोर्स वेब ब्राउजर्स कौन से हैं। अब वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, जैसे आप लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हो स्टूडेंट्स, है ना, ब्राउजिंग के लिए गूगल क्रोम यूज़ करते हो आप। पहले अभी तो आई गेस बैन हो गया है, यूसी ब्राउजर यूज़ करते हो आप, ओपेरा यूज़ करते हो। तो ये सब क्या है जो हम इंटरनेट सर्फ करने के लिए यूज़ करते हैं, इंटरनेट में सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं वेब ब्राउजर्स। तो बहुत सारे वेब ब्राउजर्स ऐसे भी हैं जो ओपन सोर्स है, मतलब जो उसके सोर्स कोड के साथ अवेलेबल हैं, ठीक है। दे कैन बी पेड, दे कैन बी फ्री, जैसे मोजिला फायरफॉक्स। आप लोगों के सिस्टम पर कंप्यूटर या फिर जो आपका पीसी है, लैपटॉप है, उसमें मोजिला फायरफॉक्स होता है, ठीक है, ये क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ब्रेव, ये भी एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। तो सब सॉफ्टवेयर्स ही, लेकिन सॉफ्टवेयर की किस कैटेगरी में आते हैं, एक्चुअली दे आर वेब ब्राउजर्स। तो ये मैंने कैटेगराइज इसीलिए किया है, मैंने कॉमन नेम्स यहाँ पर लिखे हैं, देर आर मैनी मोर, बट मैं कॉमन नेम्स जो काफ़ी फेमस हैं या यूजेज में हैं, मैंने सिर्फ इनके नाम लिखे हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप इंटरनेट पर जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ये कैटेगराइज इसीलिए किया ताकि आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। आपको 4 वेब ब्राउजर्स के नाम दिए होंगे, फॉर एग्जांपल आपको दिया होगा गूगल कोन, ओपेरा मिनी, आपको दे दिया होगा कोई और वेब ब्राउज़र का नाम, एक्स वाई जी वेब ब्राउज़र आपको दे दिया होगा, मोजिला फायरफॉक्स। तो आपको पता है इनमें से ओपन है तो सब वेब ब्राउजर्स, बट ओपन सोर्स सिर्फ मोजिला है, तो आप डी मार्क करोगे, समझ गए बात। तो ये सारे हैं क्या, ओपन सोर्स वेब ब्राउजर्स के नाम। यहाँ पर एक क्रोमियम भी है, कई बार मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स, गूगल क्रोम को क्रोमियम से मतलब क्या कह सकते हैं कि रिलेट कर देते हैं। गूगल क्रोम इज़ नॉट ओपन सोर्स, ठीक है, गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर बट नॉट ओपन सोर्स। गूगल क्रोम की तरह ही गूगल का ही एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, गूगल का ही एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है जिसका नाम है क्रोमियम, जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है किससे, जो गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, ठीक है। उसकी हम कह सकते हैं उसका इंटरफेस, ये सारी चीज़ें, उसका जो कोडिंग है ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है क्योंकि गूगल का ही प्रोजेक्ट है, लेकिन गूगल क्रोम एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये याद रखना। क्रोमियम इज़ ऑल्सो फ्रॉम गूगल बट इट इज़ ओपन सोर्स, गूगल क्रोम इज़ क्लोज सोर्स, ये याद रखिएगा। देन वी हैव बैसिलिस्क, विवाल्दी, ये सारे के सारे क्या हैं, ओपन सोर्स वेब ब्राउजर्स, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं, तो आपको मेजर वंस याद रखने हैं, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ यू
आर यूजिंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स, है ना, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड्रॉयड है। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो एक सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉयड आप यूज़ कर रहे हो, ये भी एक ओपन सोर्स है। कभी सोचा है कैसे एंड्रॉयड किस कौन कमर्शलाइज करता है, ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? इट इज़ कमर्शलाइज्ड बाय गूगल। गूगल का नाम तो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि आप लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के फ़ोन हैं? फॉर एग्जांपल, किसी स्टूडेंट आप में से किसी के पास सैमसंग का फ़ोन होगा, आप में से किसी के पास MI का फ़ोन होगा, किसी के पास रियलमी होगा, है ना, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वन प्लस होगा, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के आपके पास मोबाइल्स हैं। लेकिन हर मोबाइल में सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एंड्रॉयड गूगल द्वारा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है, ठीक है। और हर कंपनी, जैसे कि हम बात करें सैमसंग की या MI की या रियलमी की, वन प्लस की, हर कंपनी इस ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करती है अपने अकॉर्डिंग। जैसे सैमसंग के यूज़र्स होते हैं, जो उनमें सैमसंग की भी कुछ ऐप्स होती हैं, है ना, सैमसंग की कुछ अपनी ऐप्स होती हैं जो आप डिलीट नहीं कर सकते, ऑलरेडी होती हैं जब आप फ़ोन ख़रीदते हो। जब आप MI का फ़ोन लेते हो तो MI में भी कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो MI की तरफ से होती हैं, उस कंपनी की तरफ से होती हैं, जो आप डिलीट नहीं कर सकते। तो जिस कंपनी का फ़ोन लेते हो वैसे ही इंटरफेस आपको मिलता है। मतलब हर कंपनी ने उस एंड्रॉयड ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने अकॉर्डिंग चेंजेस किए होती हैं और वापस वो उसे मार्केट में अपने स्मार्टफोन्स में लाता है। तो इसीलिए एंड्रॉयड भी क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड है सिम्बियन। उसके बाद आते हैं सर्वर्स, वेब सर्वर्स। सो दीज आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट वेब सर्वर्स जो क्या है, ओपन सोर्स हैं। तो अगर वेब सर्विस पे क्वेश्चन है, वैसे तो मैक्सिमम टाइम्स अपाचे हमारे पास ऑप्शंस में होता है, तो यही है एक ओपन सोर्स सर्वर। अदरवाइज दीज आर द एग्जांपल्स, आप ये नोट डाउन करके रखिएगा। आगे आते हैं, देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स, ठीक है, बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ओडासिटी, थंडरबर्ड, ईमेल क्लाइंट। अब जैसे हम लोग ओडासिटी की बात करें, तो ये क्या है, ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो ऑडियो फिक्सिंग के लिए, ऑडियो एडिटिंग के लिए आते हैं। तो ओडासिटी भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो ऑडियो एडिटिंग के लिए आता है, ऑडियो फिक्सिंग के लिए आता है, बट विद सोर्स कोड, क्योंकि ये ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हो थंडरबर्ड ईमेल क्लाइंट, ये भी एक ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर है जो किसका काम करता है, एक ईमेल का ही। जैसे हम लोग जीमेल यूज़ करते हैं, हम लोग याहू मेल यूज़ करते हैं, इस तरह के ईमेल क्लाइंट्स, ये क्या हैं, ये सब के सब ईमेल क्लाइंट्स हैं। तो थंडरबर्ड भी क्या है, ईमेल कह सकते हैं, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, ईमेल एंड ऑन पर्पज़ के लिए। देन वी हैव PHP। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ओपन सोर्स है, तो वो है PHP। PHP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये है PHP का फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इससे पहले इसका नाम था पर्सनल होम पेज, पहले इसका नाम था पर्सनल होम पेज, पर ये नाम चेंज करके क्या दे दिया गया, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। देन वी हैव ब्लेंडर। ब्लेंडर आपका क्या काम होता है, ये एनिमेशन टूल प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग करनी है, वीडियो रेंडरिंग करना है, एनिमेशन करना है, ये सारी चीज़ें आपको 3D ग्राफिक्स डालने हैं वीडियो में एंड ऑल, एनिमेशंस डालनी है आपको, ये सब करने के लिए आप ब्लेंडर ऐप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, विद प्रोवाइडेड विद इट्स सोर्स कोड ऑल्सो। देन आपको पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ओपन सोर्स है, तो वो है पाइथन। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। PHP भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है जो वेब मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती है, वेब पेजेस के लिए यूज़ होती है। देन वी हैव शॉर्टकट, ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो वीडियो एडिटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब आती है, आपको ऐसा पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस जो है वो ओपन सोर्स है, तो जो एंटीवायरस ओपन सोर्स है वो है क्लैम विन एंटीवायरस, इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। देन वी हैव वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का नाम है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस क्या प्रोवाइड करता है, टेम्पलेट्स। कैसे टेम्पलेट्स, जब हम वेब पेजेस बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं,
है ना, तो वेब पेजेस बनाते हैं तो वेब पेजेस की डिज़ाइनिंग खुद करनी पड़ती है, जिसे हम वेब डिज़ाइनिंग भी बोलते हैं, कि कैसा वेब पेज हमारा दिखेगा जब कोई उसे सर्च करेगा या हमारी वेबसाइट को देखेगा, तो वो उसका लुक्स कैसा होगा, येलो होगा, रेड होगा, टेक्स्ट कैसे दिखेगा, पिक्चर्स कैसी दिखेंगी। तो वेब वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, फ्री टेम्पलेट्स मिलते हैं, टेम्पलेट्स यानी कि फ्री मॉडल्स मिलते हैं कि इस तरह का आप लोग यूज़ कर सकते हो अपनी किसमें वेबसाइट में। देन वी हैव ओपन ऑफिस एंड लिबर ऑफिस। हम माइक्रोसॉफ्ट सूट पढ़ेंगे आगे, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेस, ये पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक क्लोज्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इट इज़ नॉट ओपन, इट इज़ क्लोज सॉफ्टवेयर, वो पे करके आपको मिलता है, तब आप इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपके पास एक ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव भी है जो प्रोवाइडेड है विद इट्स सोर्स कोड, दैट इज़ ओपन ऑफिस, लिबर ऑफिस, ये बिल्कुल वही काम करता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सब करते हैं, ठीक है। सो ये है कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ वी हैव एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनकी क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। पहली एडवांटेज क्या, कि मोस्ट ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है, या फिर उनका सोर्स कोड जो है वो हमें उसके साथ मिलता है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की सेकेंड एडवांटेज क्या है, कि ये फ्लेक्सीबल होते हैं। अब ये फ्लेक्सीबल क्यों होते हैं, क्योंकि हर प्रोग्रामर जो है वो फ्रीली एग्जामिन कर सकता है कि ये सॉफ्टवेयर का कोड कैसे वर्क करता है, और अगर उसमें कोई उसे गलती दिखती है या गलत कोई प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लमेटिक लगता है, तो वो उसे करेक्ट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, ठीक है। ओपन सोर्स इज स्टेबल। वाई स्टेबल, अब ये जो कोड है ये पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब यूज़र्स जो हैं वो डिपेंड करें होंगे ऑब्वियसली इस पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जब एक क्रिएटर ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, उसे पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ऑब्वियसली वो उसे कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यू नहीं करेगा या उस प्रोजेक्ट को फेल नहीं होने देगा, है ना, तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ स्टेबल आल्सो, ठीक है। उसके बाद फॉस्टर्स इंजेनिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्री एग्जिस्टिंग कोड है जो क्रिएटर ने बनाया, उसे इम्प्रूव करके उसमें और ज़्यादा चेंजेस और ज़्यादा क्रिएटिविटी, इनोवेशंस लाई जा सकती हैं, ठीक है। कम्स विद अ बिल्ट इन कम्युनिटी दैट कंटिन्यूसली मॉडिफाइज एंड इम्प्रूव्स द सोर्स कोड। अब ये क्या है कि एक कम्युनिटी के साथ आता है, जैसे मैंने आपको इनिशिएटिव में बताया कि कम्युनिटी जो है वो बनी है उस इनिशिएटिव के थ्रू, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स जो हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर मॉडिफिकेशंस, फॉर इम्प्रूवमेंट्स, फॉर मोर इनोवेशंस, फॉर मोर टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, है ना, तो ये सब चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली इम्प्रूव होंगी। और इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जो इसका मेन पर्पस है, वो है प्रोग्रामर की स्किल डेवलपमेंट। जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, जो भी कोडर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, उनको अपनी स्किल डेवलप करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली वर्क कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे, और उसको इम्प्रूवमेंट में अपना डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, है ना। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। क्लियर टू एवरीबडी? तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो सब कुछ किसके बारे में था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में। नाउ वी हैव टू मोर टर्म्स जो हमें पढ़नी है, ह्यूमन वेयर और फर्मवेयर, ठीक है। सो अभी हम लोग समझ लेंगे व्हाट इज ह्यूमन वेयर एंड व्हाट इज फर्मवेयर। तो फर्मवेयर की जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो ये वाला टर्म मैंने आपको कंप्यूटर मेमोरी में भी एक्सप्लेन किया था, जब हमने कंप्यूटर मेमोरी पढ़ा है उसमें भी मैंने ये टर्मिनोलॉजी आपको हल्का सा एक्सप्लेन किया है। तो फर्मवेयर्स एक्चुअल में क्या है, फर्मवेयर्स हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है, या फिर हम कह सकते हैं डेटा है, जो हमारे सिस्टम की या हमारे फ़ोन की, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी में है, ठीक है। और ये कब परमानेंट मेमोरी में डालता है, ऑब्वियसली हमारे सिस्टम की परमानेंट मेमोरी जो है वो तभी उसमें एम्बेडेड होती है जब एक कंप्यूटर बनता है या फिर जब एक मोबाइल बनता है, तो परमानेंट मेमोरी तभी उसमें डाली जाती है। तो ये जो फर्मवेयर्स होते हैं ये भी हमारे कंप्यूटर में या हमारे फ़ोन में तभी डाले जाते हैं, ये डेटा या ये सॉफ्टवेयर हमारी फ़ोन की या हमारे लैपटॉप की परमानेंट मेमोरी में कब डाला जाता है, जब कंप्यूटर बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, परमानेंट मेमोरी में है तो ऑब्वियसली हम परमानेंट मेमोरी को इरेज नहीं कर सकते, उसमें जो डेटा है उसे राइट नहीं कर सकते, रीड कर सकते हैं,
परमानेंट मेमोरी क्या है? रोम, रोम हमने क्या पढ़ा था, रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता. राइट करने का मतलब होता है डेटा में अपडेट करना, जैसे हम कई सारी ऐप्स को अपडेट करते हैं, है ना. लेकिन रोम में जो सॉफ्टवेयर हैं उनको अपडेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी में है. यू कैन नॉट राइट डेटा ऑन रोम, है ना. तो जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो रोम में रहते हैं, रोम में स्टोर किए जाते हैं, एम्बेड किए जाते हैं, उन्हें हम फर्मवेयर्स कहते हैं. और इनका काम क्या होता है कि हमारे सिस्टम को बताना कि उसे कैसे ऑपरेट करना है, उसे कैसे काम करना है. और ये फर्मवेयर सिर्फ आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में नहीं होते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, इट कैन बी इन एनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. आपकी जो स्मार्ट वॉच है, आपकी स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, ट्रैफिक लाइट सिस्टम है जो ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट सिस्टम होता है ना, ये जितने भी डिजिटल मशीन्स होते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, उन सब में फर्मवेयर्स होते हैं उनकी परमानेंट मेमोरी में. और ये उन डिवाइसेस को बताते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है. तो फर्मवेयर्स क्या है? वो डेटा, वो सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी में रह के हमारे डिवाइस को बताता है कि उसे कैसे काम करना है. अब दूसरी चीज़, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स होते हैं या नॉर्मल आपके फ़ोन में ऐप्स जो आप इंस्टॉल करते हो, आप उन्हें डिलीट कर सकते हो, उन्हें अपडेट कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, है ना. लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि आप जब फ़ोन खरीदते हो तो देर आर अ फ्यू ऐप्स जो आपके फ़ोन में ऑलरेडी होती हैं, मतलब आप उन्हें अलग से इंस्टॉल नहीं करते हो, वो आपके फ़ोन में ऑलरेडी होती हैं और आप उन्हें अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, आप उन्हें डिलीट भी नहीं कर सकते, ना ही उनका कभी अपडेशन आता है दूसरे ऐप्स की तरह. तो वो क्या है? वो आपके सिस्टम की परमानेंट मेमोरी में स्टोर है, यानी कि रोम में स्टोर है. और वो कब स्टोर हुए? जब आपका कंप्यूटर बना, जब आपका मोबाइल बना. उसी तरीके से फर्मवेयर्स भी होते हैं, समझ रहे हो, उसी तरीके से फर्मवेयर्स भी होते हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स की तरह ना तो चेंज किए जा सकते ना ही डिलीट किए जा सकते हैं, ठीक है. तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं फर्मवेयर्स. काम क्या होता है? हमारे सिस्टम को बताना कि उसे कैसे ऑपरेट करना है. दिस कैन नॉट बी अनइंस्टॉल्ड, दिस कैन नॉट बी डिलीटेड, दिस कैन नॉट बी अपडेटेड अनलेस स्पेशल प्रोग्राम्स आर यूज, ठीक है. हम वैसे ही नहीं, कोई भी यूज़र होगा तो वो इन ऐप्स को डिलीट कर सकेगा या अपडेट कर सकेगा. फर्मवेयर्स को अपडेट करने के लिए कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, स्पेशल प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है, और ये ईजिली नहीं किया जा सकता. देर आर सम स्पेशल प्रोग्राम्स जो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. यहाँ तक तो समझ आ गया, आगे इनके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे. पहले एक चीज़, ये जो हाइलाइटेड पॉइंट है ये आपको नोट करना है. अगर पूछा जाए फर्मवेयर का जो टर्म है वो कहाँ से आया, हु कॉइन दिस टर्म, तो किसने किया है? एशर ऑपलर ने ये टर्म कॉइन किया है इन 1967 इन अ डेटामेशन आर्टिकल. अब डेटामेशन क्या है स्टूडेंट्स? एक कंप्यूटर मैगजीन थी उस टाइम की, ठीक है. ये 90s के टाइम की कंप्यूटर मैगज़ीन थी और एशर ऑपलर ने इस मैगज़ीन के एक आर्टिकल में इस टर्म के बारे में बात की थी, फर्मवेयर्स के बारे में बात की थी. आगे आते हैं. अब फर्मवेयर्स का जो स्टोरेज सिस्टम है कि फर्मवेयर्स को कहाँ स्टोर किया जाता है या फर्मवेयर्स की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसके बेसिस पे हम फर्मवेयर्स को तीन लेवल्स में डिवाइड करते हैं, या हम कह सकते हैं थ्री सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं. तो पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले अ फ्यू पॉइंट्स जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर फर्मवेयर्स के बारे में. चलिए देखो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले क्या सीखा? फर्मवेयर्स कहाँ पर स्टोर होते हैं? हमारे कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी में. परमानेंट मेमोरी में यानी कि रोम में. अब रोम जो है सिस्टम की परमानेंट मेमोरी है और परमानेंट मेमोरी से कभी भी हम डेटा को राइट नहीं कर सकते. राइट करने का मतलब मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, उसे डिलीट या अपडेट अपग्रेड नहीं कर सकते उन सॉफ्टवेयर्स को, है ना. इसके लिए देयर आर सम स्पेशल प्रोग्राम्स जो हमें यूज़ करने पड़ते थे, या तो हमें रोम को ही हटाना पड़ता था. अब जब क्या हुआ इसके बाद, हम जब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुआ तो हमारे पास पी रोम भी आया, जिसे हम लोग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं. और प्रोग्रामेबल रीड ओनली में हमने क्या पढ़ा था कि हम डेटा को राइट कर सकते हैं बट ओनली वंस, सिर्फ एक बार. तो मतलब फर्मवेयर्स को अपडेट किया जा सकता है लेकिन पी रोम में सिर्फ एक बार. अब हुआ क्या कि देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती है, आपके फ़ोन में ही कोई ऐप है तो आप कुछ समय के बाद उस ऐप का अपडेट आता है ना, उसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड होते हैं टाइम टू टाइम, आफ्टर वन मंथ टू मंथ ऐप्स के अपडेट्स आते रहते हैं. इवन आपका फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो कुछ महीनों बाद एंड्रॉयड के अपडेट्स भी आपके फ़ोन में आते हैं,
है ना, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर को ज़्यादा सिक्योर होने की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा फीचर्स ऐड होने की ज़रूरत होती है। तो जब हम फर्मवेयर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जो हमारे सिस्टम की रोम में होता है, तो ये परमानेंट मेमोरी में होने के कारण इसे तो हम अपडेट कर ही नहीं सकते थे, इसमें तो कोई ऑल्टरेशंस हो ही नहीं सकती थी। तो उससे क्या हुआ कि फर्मवेयर्स जो हैं एक टाइम के बाद आउटडेटेड हो गए। आउटडेटेड हो गए मतलब पुराने हो गए, क्योंकि हर बार टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने के साथ ऐप्स में फीचर्स ऐड होते हैं, लेकिन इनमें तो कोई फीचर्स ऐड हो नहीं सकते थे, तो ये आउटडेटेड हो गए। सो विद इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी फर्मवेयर्स को कहाँ पर स्टोर करने लगे, अभी के टाइम पे बात करें तो ईपी रोम में फर्मवेयर्स डाले जाते हैं, या फिर फ्लैश रोम चिप्स में। फ्लैश मेमोरी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, तो फ्लैश मेमोरी में, फ्लैश रोम चिप्स में एम्बेड किया जाता है, स्टोर किया जाता है किसे, हमारे सिस्टम के फर्मवेयर्स में। ईपी रोम का मतलब क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, मतलब वो रीड ऑनली मेमोरी जिसे आप इरेज करके वापस से उसमें डेटा राइट कर सकते हो। तो मतलब आप यहाँ पर जो फर्मवेयर स्टोर्ड हैं आप उन्हें अपडेट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, इरेज मतलब डिलीट, अनइंस्टॉल कर सकते हो। एंड फ्लैश रोम चिप्स भी बिल्कुल इसी तरह से काम करती है, आप यहाँ पर भी डेटा रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। फ्लैश मेमोरी के बारे में तो हमने पढ़ा ही है ना। तो इसीलिए अब जो फर्मवेयर्स आ रहे हैं वो इस तरह की परमानेंट मेमोरी में स्टोर होते हैं, जहाँ पर उसे हम रीड राइट कर सकते हैं, समझ गए। अब यही चीज़ है इन लेवल्स में कि कहाँ पर ये स्टोर होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले आते हैं लो लेवल फर्मवेयर्स। तो लो लेवल फर्मवेयर्स कौन से फर्मवेयर्स थे जो सबसे पहले जब फर्मवेयर्स का कंसेप्ट आया तो वो कहाँ स्टोर होते थे, रोम में और पी रोम में, जहाँ पर सिर्फ डेटा को रीड किया जा सकता था, उससे री राइट अपडेट नहीं किया जा सकता था, जिससे हमारे ये सॉफ्टवेयर्स आउटडेटेड हो जाते थे। तो जब पी रोम और रोम में फर्मवेयर्स रहते थे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लो लेवल फर्मवेयर्स। उसके बाद मैंने आपको बोला फर्मवेयर्स को कहाँ पर स्टोर किया जाने लगा, फर्मवेयर्स को कहाँ पर स्टोर किया जाने लगा, जैसे फ्लैश मेमोरी चिप्स में, ईपी रोम में, है ना, ये हमने पढ़ा उसके बाद, ताकि उसमें अपडेशंस किए जा सकें, डेटा को रीराइट अपडेट किया जा सके। तो जब इस तरह के फर्मवेयर्स आए तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हाई लेवल फर्मवेयर्स। उसके बाद आते हैं सब सिस्टम्स, दैट इज़ द थर्ड लेवल। तो ये बिल्कुल हाई लेवल फर्मवेयर्स की तरह होते हैं। ये फर्मवेयर्स भी कहाँ पर एम्बेड होते हैं, फ्लैश चिप्स में, सीपीयू स्टोरेज में, एलसीडी यूनिट्स में, और बिल्कुल किसकी तरह काम करते हैं, हाई लेवल फर्मवेयर्स की तरह ही, यानी कि इसमें भी डेटा को रीराइट और अपडेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जब आपको कुछ फर्मवेयर की अपडेट की ज़रूरत हो, उसमें कुछ और फीचर्स ऐड करने हो, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट फर्मवेयर्स का काम क्या होता है, डिवाइस को बताना कि उसे क्या काम करना है। अब आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ फर्मवेयर्स। तो फर्मवेयर्स दो टाइप के हैं, एक है बायस और एक है UEFI, ठीक है। आप इसे UEFI बायस भी कहते हैं और इसे लेगेसी बायस भी कहते हैं। बायस का फुल फॉर्म स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है ये, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एंड UEFI का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये क्या है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ये दोनों फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायस की, ठीक है। कौन से फर्मवेयर्स की बात करेंगे हम लोग, बायस फर्मवेयर्स की बात करेंगे। अब जो ओल्डर मदरबोर्ड्स होते थे, ठीक है, पुराने टाइम के जो मतलब पहले जो कंप्यूटर्स आते थे कुछ समय पहले, उनमें कौन से फर्मवेयर्स होते थे, कौन से टाइप के, बायस फर्मवेयर्स, ठीक है। बायस का क्या काम होता है, इन फॉर्म्स का क्या काम होता है, बूटिंग प्रोसेस सपोर्ट करना। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, कंप्यूटर का स्टार्टअप, एंड किस में हेल्प करते थे, बूट लोडिंग में। बूट लोडिंग क्या होता है कि मतलब लोडर का क्या काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी प्रोग्राम्स को लोड करना इनटू द मेन मेमोरी, है ना। तो बायस का क्या काम होता है या UEFI का क्या काम होता है, बूटिंग प्रोसेस सपोर्ट करना, यानी कि जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है सभी प्रोग्राम्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लोड करना इनटू द मेन मेमोरी, समझ गए। अब फ़र्क क्या है बायस और UEFI में, बायस को आज के टाइम पे रिप्लेस कर दिया है नए तरह के फर्मवेयर्स ने जो है UEFI, ठीक है, दैट इज़ यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। क्यों, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि बायस की कुछ
लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी कि ये सिर्फ कितनी मतलब कितनी स्पेस की, कितनी मेमोरी की ड्राइव्स को रिकॉग्नाइज कर पाता था, कितनी स्पेस की, कितनी कैपेसिटी की, इन शॉर्ट कैपेसिटी की ड्राइव्स को सपोर्ट करता था सिर्फ अप टू 2.1 TB टेराबाइट। ठीक है, 2.1 TB, इससे ज़्यादा कैपेसिटी के जो ड्राइव्स थी ये उनको सपोर्ट नहीं कर पाता था। ठीक है, उसके साथ काम करके ये प्रोग्राम्स को लोड नहीं कर पाता था, जो भी फंक्शनिंग होती थी वो परफॉर्म नहीं कर पाता था। इट टुक सो मच ऑफ टाइम, समझ गए। तो इसीलिए ये सारी जो लिमिटेशंस थी उसको हम कह सकते हैं कि इम्प्रूव करने के लिए, उसे ओवरकम करने के लिए नए तरह का फर्मवेयर बनाया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, UEFI कहते हैं। समझ के यहाँ तक बात। एक और चीज़, पहले जो हमारे प्रोसेसर थे, सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप लोग नोट करिएगा, पहले के टाइम पे जो प्रोसेसर थे वो कौन से प्रोसेसर रहे, 16-bit प्रोसेसर। पहले के टाइम पे जो कंप्यूटर्स थे वो 16-bit प्रोसेसर सपोर्ट करते थे, जिससे बायस जिसके साथ टोटली कंपैटिबल था। लेकिन आज के टाइम पे बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम्स कितने बिट प्रोसेसर्स को सपोर्ट करते हैं, 32-64 bit प्रोसेसर्स के साथ आ रहे हैं, और बायस इन प्रोसेसर्स के साथ, ये जो हम लेगेसी बायस पढ़ रहे हैं, इन प्रोसेस के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं था। ठीक है, जिससे बूटिंग सिस्टम जो है वो स्लोअर हो जाता था, सारे हार्डवेयर इनिशियलाइज करने में, डिवाइस को ऑन करने में, प्रोग्राम्स को लोड करने में टुक अ लॉट ऑफ टाइम, जिससे सिस्टम स्लो हो जाता क्योंकि ये सपोर्ट नहीं कर पाता, कंपैटिबल नहीं है। इसीलिए इसे रिप्लेस किया गया आज के टाइम पे UEFI से, जो डेफिनेटली 2.1 TB से लार्जर ड्राइव्स को सपोर्ट करता है एंड 32-64 bit प्रोसेसर्स को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये इम्प्रूवमेंट या फिर UEFI किसने इनिशिएटिव किया या किसने डेवलप किया, तो आपको पता होना चाहिए इंटेल कंपनी के बारे में, तो आप लोग सभी जानते हैं, है ना। सो इन्होंने इसे किया है, इवन बायस को भी, ये जो फर्मवेयर्स हैं ये किसने डेवलप किए हैं, बायस ने। क्लियर, तो हम क्या कह सकते हैं, ड्रॉबैक्स क्या थे बायस के, कि वो 2.1 TB से ज़्यादा ड्राइव्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, कंपैटिबल नहीं था, सिर्फ 16-bit प्रोसेसर के साथ कंपैटिबल था, जिसका रिजल्ट क्या था कि बूटिंग प्रोसेस जो है वो स्लोअर हो जाता है, हार्डवेयर इनिशियलाइज करना भी स्लोअर होता है, इन शॉर्ट सिस्टम स्लो हो जाता है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए UEFI, जिसमें ये सारे फीचर्स इम्प्रूव फॉर्म में थे, इस तरह के फर्मवेयर्स जो हैं आज के सिस्टम्स में आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट फर्मवेयर्स। अभी जो नेक्स्ट टर्म हमें पढ़नी है स्टूडेंट्स, वो है ह्यूमन वेयर्स। आई अंडरस्टैंड ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, बट आई वांट कि आप इसी लेक्चर के साथ ये सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लो, ताकि हम नया कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बहुत छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन वेयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने हार्डवेयर पढ़ा, हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि एक कंप्यूटर जो है वो नहीं बन सकता एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना। एक सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई काम नहीं है, एक हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं है, और दोनों ही मिलकर बनाते हैं एक कंप्यूटर को। लेकिन जब तक हमारे पास कंप्यूटर को यूज़ करने वाला यूज़र ही नहीं है, यानी कि हम ही नहीं हैं, इस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कम्बिनेशन का क्या फ़ायदा है ना। तो ये जो यूज़र है ये एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट्स, ये है ह्यूमन वेयर। यानी कि हम लोग क्या हैं जो इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम लोग क्या हैं, हम ह्यूमन वेयर हैं, जो इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को फंक्शनल बना रहे हैं, जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। समझ में आया। तो ह्यूमन वेयर का मतलब क्या है, एडिंग अ ह्यूमन फेसेट इनटू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, जैसे भी हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, उससे तो कंप्यूटर बनता है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब उसे यूज़ करने वाला, उसे अपडेट करने वाला सॉफ्टवेयर कौन बना रहा है, यूज़र ही तो बना रहा है ना, हम लोग ही तो बना रहे हैं ना, प्रोग्रामर्स इंसान ही बना रहा है ना। तो ये सारी चीज़ों, जो डेवलपर्स हैं जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो यूज़र्स हैं जो प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर्स को, ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं, ये सब क्या है, ह्यूमन वेयर है। क्लियर हो गई बात, तो ह्यूमन से पता चल जाता है ना। तो जो यूज़र्स आते हैं, डेवलपर्स आते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन वेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब हमें पता है जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 3 मेजर कंपोनेंट से बनता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और
ह्यूमनवेयर। हार्डवेयर जो है वो फिजिकल सॉफ्टवेयर फिजिकल पार्ट बनाता है, सॉफ्टवेयर जो है ये वो इंटरनल पार्ट जो उसकी फंक्शनिंग है वो बनाता है, और ह्यूमन जो है ह्यूमनवेयर जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। ठीक है, कैसे करता है आई विल टेल यू। उससे पहले एक सिंपल से एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ। ठीक है, जब कोई भी डिश बनती है तो उसके लिए हमें जो सामान चाहिए होता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वो हम क्या मान लेते हैं, वो एक हार्डवेयर है। ठीक है, उसके बाद जो हमें गैस चाहिए, जो हमें चूल्हा चाहिए जिस पे वो बनेगा, वो क्या हो गया, वो सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन इस इंग्रेडिएंट का और इस जो चूल्हा है या जो भी अवन है या कोई भी डिवाइस है जिसके ऊपर ये खाना बनेगा, इसका क्या यूज़ जब हमारे पास शेफ ही नहीं होगा जो इसे बनाएगा, है ना। तो ये शेफ कौन हुआ, ये हुआ ह्यूमन वेयर, जिसके ऊपर खाना बनना है ये क्या हुआ, ये हुआ सॉफ्टवेयर, और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये क्या हुए, हार्डवेयर। क्लियर हुआ यहाँ तक बात। तो ह्यूमन वेयर क्या है एक्चुअल में, ह्यूमन वेयर कोई हार्डवेयर भी हो सकता है, ह्यूमन वेयर कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जो ह्यूमन की इंटरेक्शन अच्छी बनाता है एक कंप्यूटर मशीन के साथ। ठीक है, इन शॉर्ट जो भी कंप्यूटर में चीज़ एक यूज़र को हेल्प कर रही है कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने में, एक इंसान को हेल्प कर रही है कि हम कंप्यूटर को इजीली यूज़ कर पा रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब ह्यूमन वेयर है। इट कैन बी अ हार्डवेयर, इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर। यहाँ तक क्लियर हो गई सबको चीज़, अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब जब भी ह्यूमन वेयर बनता है तो देर आर अ फ्यू स्टेप्स कि एक ह्यूमन वेयर को डेवलप कैसे करना है। ह्यूमन वेयर को डेवलप करने का तरीका बहुत सिंपल है। देखिए, एक प्रोडक्ट को जब हम डेवलप करते हैं, कोई मशीन को डेवलप किया है, आप कुछ भी मार्केट से खरीदते हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस भी हम लोग को चाहिए, और वो हमारे यूजेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, कि मतलब हम उस मशीन को यूज़ कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वॉशिंग मशीन ही यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली वॉशिंग मशीन का मॉडल ऐसा होना चाहिए कि हर कोई उसे यूज़ कर पाए, हाउसवाइफ भी यूज़ कर पाए, एक वर्किंग पर्सन भी यूज़ कर पाए, सबके लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो उस तरीके से ह्यूमन फेसेट को, ह्यूमन एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए जब चीज़ें बनाई जाती हैं, वही सब ह्यूमन वेयर की कैटेगरी में आती हैं। तो जब ह्यूमन वेयर बनता है, ह्यूमन के लिए जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है, तो देर आर अ फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहला, डिफाइन यूजर्स, मतलब जिसके लिए वो डिवाइस बनाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, मोबाइल फ़ोन बनता है, तो मोबाइल फ़ोन हम यूज़र्स के लिए बनता है, तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन की क्या यूजेज होती है, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, उसमें कौन कौन सी ऐप्स चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही मोबाइल फ़ोन बनता है। तो वही हो गया यूज़र का जो नीड्स है वो आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई टास्क दे नीड टू डू फॉर कैपेबिलिटी दे विल वॉन्ट। उन चीज़ों को कम्प्लीट करने के लिए उन्हें टास्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मतलब जब भी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, एक मोबाइल कंपनी मोबाइल बना रही है, पहले तो वो यूज़र की नीड्स आइडेंटिफाई करेगी, उन नीड्स को पूरा करने के लिए उन्हें क्या क्या काम करना है वो देखेगी, है ना। उसके बाद वो अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेगी, ऑब्जेक्टिव्स एज इन कि कितना टाइम उन्हें लगेगा ये सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए, और उसके बाद वो क्या बनाएगी, एक मॉडल, बिल्ड अ प्रोटोटाइप, एक फ़ोन का प्रोटोटाइप, एक मॉडल बनाएगी जो वो कुछ यूज़र्स को दिखाएगी, ताकि यूज़र्स उसे यूज़ करें, एक्सपीरियंस करें कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, है ना। उसके बाद टेस्ट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि वो मॉडल सही है या नहीं। उसके बाद प्रोग्राम्स कोडर्स उसे वापस चेक करते हैं, उस कोड को चेक किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पर्पस है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं। जब भी एक सॉफ्टवेयर बनता है, कोई ऐप बनती है, कोई मोबाइल बनता है, तो बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ताकि जब वो मार्केट में आए, लोग उसे यूज़ करें, ह्यूमंस उसे यूज़ करें, तो उस वक्त उन्हें कोई क्या कह सकते हैं, उन्हें कोई किसी भी तरह का कोई गलत एक्सपीरियंस ना हो, उन्हें किसी भी तरह का मिस यूजेज ना लगे उसका, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उसके बाद जब वो यूज़र्स को दें, उन्हें फीडबैक मिले और कंटिन्यूसली वो इम्प्रूव करें। जैसे हमारे मोबाइल में अपडेट्स आती हैं, है ना, कंपनी की तरफ से अपडेट्स आती हैं, वो क्यों आती हैं, ताकि ये जो प्रोडक्ट हमें कंपनी ने दिया वो उसे मेनटेन करके रखें। तो दिस इज़ द होल क्राइटेरिया कि जब भी एक प्रोडक्ट बनता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ बनती है वो हमेशा हमारी नीड के अकॉर्डिंग बनती है। तो दैट इज़ वॉट वी मीन बाय ह्यूमन वेयर, ह्यूमन जो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर मशीन को, ह्यूमन जिसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर मशीन बनाई गई है, ह्यूमन जिसे उस कंप्यूटर मशीन का इंटरफेस यूज़ करना है, एक्सपीरियंस करना है, ये सब चीज़ें जो ह्यूमन के लिए हो रही हैं, एक पर्सन के अराउंड हो रही हैं, वो सब चीज़ें क्या हैं, वो सब चीज़ें ह्यूमन वेयर हैं इन शॉर्ट।
क्लियर टू एवरीबडी. सो यहीं पर हम अपना लेक्चर एंड कर रहे हैं. क्लियर? ह्यूमन वेयर समझ आ गया, फर्मवेयर समझ में आ गया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर समझ में आ गए. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, बट आई विश कि आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होगा. इफ़ येस देन डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, और अगर कोई डाउट है तो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करने की कोशिश करूँगी. एंड नेक्स्ट लेक्चर जितनी जल्दी हो पाएगा, एज सून एज पॉसिबल आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आ जाएगा यूट्यूब पे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.